Hello everyone, welcome back to StudEye. Today we are going to discuss what stereopsis is and the main test for the stereopsis, which is the Titmus fly test. So before moving to the Titmus fly test, we should know that what stereopsis is. So basically, stereopsis kya hota hai? It is actually the ability of an eye to perceive depth on the basis of the binocular disparity. अब इसका क्या मतलब है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो आपको उसकी थ्री डायमेंशनल इमेज नज़र आ रही होती है, राइट? सो वो थ्री डायमेंशनल इमेज जिसमें आप उसकी डेप्थ कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, आप उसको ओवरऑल जो एनालाइज करते हैं या उसकी एनालिसिस हो रही है और आपको वो परसीव कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ इस तरह से है, साइड से उसको वो इतनी थिक है, वो इतनी थिन है, उसकी डेप्थ इतनी है, वो इतना डीप है, वो सारा कुछ आ जाता है हमारे पास स्टीरियोप्सिस में, राइट? अब बाइनोक्लियर डिस्पैरिटी क्या होती है? बाइनोक्लियर डिस्पैरिटी बेसिकली ये है कि दोनों आइज हमारे पास दोनों आइज में डिफरेंट एंगल्स पे लाइट रेज फोकस होती हैं, राइट? अब अगर मैं किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को फोकस करती हूँ तो एक आई पे डिफरेंट एंगल पे रेटिना पे लाइट रेज फोकस होंगी और डिफरेंट एंगल पे हमारे पास इमेज बनेगी. इसी तरह दूसरी आई में लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से डिफरेंट एंगल में फॉल कर रही हैं और इमेज जो है वो डिफरेंट एंगल पे फॉल होने की वजह से उसका इमेज भी और डिफरेंट होगा. अब इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि आप लोग आर्म लेंथ पे अपने फिंगर को रखें और उसको एक आई को क्लोज करें और उस फिंगर को उस पॉइंटेड फिंगर को आप चेक करें कि वो उसकी लोकेशन क्या है, वो किस जगह पे फॉल कर रही है उसकी इमेज या वो आपको कहाँ नज़र आ रही है. इसी तरह आपने फ़ौरन से अपनी दूसरी आई वो जो क्लोज़ की है उसको ओपन करें, उसके बाद दूसरी आई को क्लोज करें और फिर आप इमेज देखें कि वो किधर फॉल कर रही है. आपको उसकी पेरीफ्री जो है वो आपको बताएगी या पेरीफ्री ऑफ जो टारगेट की पेरीफ्री है या पीछे वाला एरिया है, साइड वाला एरिया है, वो आपको बताएगा कि इमेज जो है वो स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स पे है. अब फिंगर अगर मैंने सेंटर पे पॉइंट ऑफ फिक्सेशन में आई के बिल्कुल सेंटर पे रखी है, नेजल ब्रिज के इससे अलाइन किया हुआ है और मैं उसको एक आई क्लोज कर रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी सराउंडिंग कुछ एरिया नज़र आएगा और कुछ नहीं आएगा. सिमिलरली मैंने दूसरी आई बंद की तो मेरा एंगल थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का जो है वो चेंज हो गया, इमेज जो मुझे नज़र आ रहा है वो थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है, पेरिफ्री भी अब थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है. सो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आपकी राइट आई है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखेगी, जो राइट आई है वो स्लाइटली डिफरेंट इमेज देखेगी. तो बाइनोक्लियर डिस्पैरिटी क्या है? दैट बोथ आईज सी डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस ड्यू टू द रीज़न इज कि जो फोकस है लाइट रेज है वो फोकस कहाँ हो रही है, वो स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स पे हो रही है. नाउ हमारे पास स्टीरियोप्सिस का यूनिट क्या होता है? इट इज़ सेकंड्स ऑफ आर्क. और हमारे पास नॉर्मल स्टीरियोप्सिस कितनी होती है? इट इज़ 40 सेकंड्स ऑफ एन आर्क. वन थिंग यू ऑल शुड रिमेंबर इज कि हमारे पास जो जितनी कम स्टीरियोप्सिस की वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी पेशेंट को डेप्थ परसेप्शन है, यानी कि उतनी ही उसकी अच्छी जो है वो डेप्थ परसीव करने की एबिलिटी है. तो हमारे पास अगर एक पेशेंट है उसकी जो स्टीरियोप्सिस है वो 40 सेकंड्स ऑफ एन आर्क है और उसके साथ एक पेशेंट है उसकी हमारे पास स्टीरियोप्सिस जो है वो 100 सेकंड्स ऑफ एन आर्क है. तो जो पेशेंट जिसकी स्टीरियोप्सिस 40 सेकंड्स ऑफ एन आर्क है, ही इज़ हैविंग मोर गुड डेप्थ परसेप्शन एज कम्पेयर टू द वन हु इज़ हैविंग द 100 सेकंड ऑफ एन आर्क स्टीरियोप्सिस. सो जितनी कम स्टीरियोप्सिस की वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी उस पर्सन की स्टीरियोप्सिस है. नाउ हाउ कैन यू इवेलुएट द स्टीरियोप्सिस? आप चेक किन किन टेस्ट से कर सकते हैं? दैट इज़ द टिटमस फ्लाई टेस्ट एंड द फ्रिस्बी टेस्ट. देर आर अ लॉट ऑफ अदर टेस्ट बट वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी शुड हैव मोर फोकस ऑन दीज टू. एंड आज के टॉपिक के लिए द मेन फोकस और आर ओनली फोकस इज ऑन द टिटमस फ्लाई टेस्ट. सो टिटमस फ्लाई टेस्ट क्या है? एक बुकलेट फॉर्म होती है लाइक दिस. एक बुक है, उसके एक साइड अंदर दोनों पैटर्न्स बने हुए हैं डिफरेंट और उससे आप उसके पेशेंट की स्टीरियोप्सिस मैया करते हैं. बट बिफोर मूविंग इनटू इट हमें पता होना चाहिए किस लिए यूज़ हो रहा है. ये यूज़ हो रहा है स्टीरियोप्सिस की वैल्यूएशन के लिए. और अगर हम इस बुक को एक दफ़ा देखें तो वी कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं. वन साइड में हमारे पास एक रैंडम डॉट पैटर्न है और उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बनी हुई है, राइट? सो दिस इज़ यूज किस लिए होती है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. बट सबसे पहले एक साइड पे रैंडम डॉट पैटर्न है, उसके ऊपर बटरफ्लाई है, नीचे हमारे पास दो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, सेकंड पेज पे हमारे पास 9 प्लेट्स हैं, हर प्लेट के अंदर 4 सर्कल्स हैं, नीचे हमारे पास 3 रोज हैं ए बी एंड सी, हर रो में एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, राइट? अब हमने इसे किस तरह से स्टीरियोप्सिस को मेजर करना है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे पास ये चीज़ें हैं क्या. सो
ओवर हियर, जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम डॉट पैटर्न है और उनके ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई है। हियर यू कैन सी कि एक रैंडम डॉट पैटर्न है इसके ऊपर, और उस पैटर्न से, रैंडम डॉट पैटर्न से, वो डॉट पैटर्न से क्या बनी हुई है, बटरफ्लाई एक बनी हुई है। और दिस बटरफ्लाई इज़ यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द ग्रॉस स्टीरियोप्सिस। आपने सिर्फ चेक करना है, ग्रॉस एग्जामिनेशन है स्टीरियोप्सिस की, कि क्या पेशेंट के आई में स्टीरियोप्सिस है या नहीं है। उसके लिए हम इस साइट को प्रेफर करते हैं, विच इज़ अ रैंडम डॉट पैटर्न। उसके ऊपर डॉट से, रैंडम डॉट पैटर्न जो है उससे बटरफ्लाई बनी होती है। नीचे हमारे पास एल और आर अल्फाबेट्स होते हैं, एल इस साइड पर होता है, आर इस साइड पर होता है। दिस इज़ यूज फॉर रूलिंग आउट ऑफ द सप्रेशन। हमने अगर किसी आई में सप्रेशन का पता करना है तो हम इस इन अल्फाबेट्स के थ्रू पता लग हमें चल जाता है कि एल स्टैंड फॉर लेफ्ट आई, आर स्टैंड फॉर द राइट आई, कि किस आई में हमारे पास सप्रेशन है। हियर विच आई हैव टोल्ड यू 9 प्लेट्स हैं, उनके अंदर सर्कल्स हैं। ये सर्कल्स और नीचे जो 3 रोज हैं, ये हमारे पास क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस की इवेल्युएशन के लिए है। ग्रॉस स्टीरियोप्सिस बताएगी कि पेशेंट की आई में स्टीरियोप्सिस है या नहीं है। अगर है तो किस हद तक, मतलब अच्छी है, थोड़ी सही है, नॉर्मल है, किस तरह की रेंज है। और क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि एग्जैक्टली पेशेंट की स्टीरियोप्सिस कितनी है। नाउ अब हमारे पास, और हम इसको मेजर या टेस्ट परफॉर्म किस तरह से करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। बट सबसे पहले हम ग्रॉस स्टेप्स को देख लेते हैं। ओके, सो वी वर ओवर देयर कि जो स्टीरियोप्सिस की मेजरमेंट होती है या इवेल्युएशन होती है, वो हम करते हैं टिटमस लाइट टेस्ट से। अब किस तरह से करते हैं, एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी स्टीरियोप्सिस को करना है मेजर। सबसे पहले आपने उसकी वियल एक्विटी चेक कर लेनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पेशेंट जो है उसको बिठाना है और स्नैलन पे और फिर उसकी वियल एक्विटी चेक करें। यू आर जस्ट इवेल्युएटिंग, ग्रॉस वियल एक्विटी मेजर करें कि पेशेंट की आई में वीएन है भी या नहीं। आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप आते साथ ही बिठा दो पेशेंट को और आप उसको बुकलेट दे दो और उसे को उससे नज़र आ रहा है, और मे बी पेशेंट वॉज नॉट हैविंग वीएन इन हिज आई, और उसको प्रॉब्लम और फेस करनी पड़े, वो थोड़ा सा परेशान हो जाए। सो आपने सबसे पहले उसकी, पेशेंट की ग्रॉस वियल एक्विटी चेक कर लेनी है कि उसको वो एक्टिव है। अगर वो एक्टिव है, उसकी वीएन जो है वो ठीक है, मतलब नज़र आ रहा है ना जितना उसको आना चाहिए, मतलब वो टेस्ट परफॉर्म कर सकता है या नहीं। सेकेंड वी हैव स्क्विंट असेसमेंट। आपने पेशेंट का स्क्विन की असेसमेंट करनी है। स्क्विन की असेसमेंट आपने इसलिए करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि अगर एक पेशेंट है, उसकी आई में स्क्विंट है, तो उससे क्या होगा कि अगर तो पेशेंट की आई में स्क्विंट होगा, हमें पता है डेविएशन है, तो पेशेंट की आई में स्टीरियोप्सिस कम होगी, तो हमें पता चल जाएगा या तो पेशेंट की आई में सप्रेशन होगी या फिर पेशेंट की आई में कोई ना कोई उसकी जो स्टीरियोप्सिस है वो डिस्टर्ब होगी, राइट। फिर हमारे पास थर्ड क्या, आपने पेशेंट को बिठाया, उसकी वीएन ली, आपने स्क्विंट असेसमेंट की, देन यू हैव टू गिव हिम द पोलराइज्ड ग्लासेस। पोलराइज्ड ग्लासेस की के बगैर टिटमस फ्लाइट टेस्ट की वैल्यूएशन बहुत मुश्किल है। सो फॉर द टिटमस फ्लाइट टेस्ट, पोलराइज्ड ग्लासेस पेशेंट को देना ज़रूरी है। नाउ अब पेशेंट को आपने पोलराइज्ड ग्लासेस दी और आपने उसको ये बुकलेट पकड़ा दी, और उसमें भी आपने फोकस अभी करना है बटरफ्लाई रैंडम डॉट पैटर्न साइड पे। नाउ पेशेंट को आपने बताना है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है। ओके, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो टिटमस फ्लाइट टेस्ट होता है वो 3000 से 5000 सेकेंड्स ऑफ एन आवर तक आपको स्टीरियोप्सिस की वैल्यू बता सकता है कि पेशेंट क्या है। मैं यहाँ, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी इतनी ख़राब स्टीरियोप्सिस है, तो भी हम टिटमस फ्लाइट टेस्ट से इवेलुएट कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है हमारे पास टिटमस फ्लाइट टेस्ट में, वो अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर्स होता है नियर पे आप कर रहे हो, ठीक है। तो जो बुकलेट आपने पेशेंट को पकड़ानी है, वो होल्ड पेशेंट जो करेगा वो 40 सेंटीमीटर्स पे करेगा। आपने ये बुकलेट पेशेंट को पकड़ा दी, और उसमें अब हम स्पेसिफिकली फाइंड करेंगे ग्रॉस स्टीरियोप्सिस। तो सबसे पहले आई रिपीट, ग्रॉस वियल एक्विटी आपने चेक की, स्क्विंट असेसमेंट कर ली, देन आपने उसको पोलराइज ग्लासेस पहना के 40 सेंटीमीटर पे बुकलेट देनी है। नेक्स्ट वी हैव ग्रॉस स्टीरियोप्सिस। रैंडम डॉट पैटर्न वाली साइड आपने पेशेंट को दिखानी है, और आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या उसको ग्लासेस के साथ, पोलराइज ग्लासेस के साथ, क्या पेशेंट को रैंडम डॉट पैटर्न में, दिस वन, इस पैटर्न में, हियर इस पैटर्न में क्या पेशेंट को नज़र आ रहा है, यहाँ बटरफ्लाई नज़र आ रही है, यू कैन ऑल्सो सी थोड़ा थोड़ा डॉट पैटर्न से एक बटरफ्लाई बनी हुई है। इसी तरह पेशेंट को डॉट, रैंडम डॉट पैटर्न से बटरफ्लाई का पैटर्न फील होगा, नज़र आएगा, ठीक है। आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या उसको वो पैटर्न बटरफ्लाई नज़र आ रही है। अगर तो पेशेंट कहता है कि येस मुझे नज़र आ रही है, तो यू जस्ट हैव टू आस्क कि अच्छा, अगर आ रही है तो होल्ड इट, आप पकड़ के दिखाएं, उसको पकड़ें, बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करें। नाउ ओवर हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर तो पेशेंट ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है बटरफ्लाई को, ठीक है, अगर तो पेशेंट ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है और वो बुकलेट को टच कर रहा है,
पकड़ते पकड़ते उसको बुकलेट को टच करके कह रहा है कि हाँ मैंने पकड़ लिया। कैसे पकड़ी? बुकलेट के पे उसका हाथ है और वो बुकलेट को टच कर रहा है, फ्लैट सर्फेस को टच कर रहा है और कह रहे हैं हाँ मैंने बटरफ्लाई पकड़ लिया। इसका मतलब है कि पेशेंट की आई में स्टीरियोप्सिस एबसेंट है, राइट? पेशेंट की आई में स्टीरियोप्सिस नहीं है, एबसेंट है। अगर पेशेंट की आई में स्टीरियोप्सिस एबसेंट है तो वो क्या हो सकता है प्रॉब्लम पेशेंट को? मे बी कि उसकी आई में कोई ना कोई सप्रेशन है, पेशेंट की आई में कोई ना कोई सप्रेशन है जिसकी वजह से उसकी स्टीरियोप्सिस ख़राब है। अब पेशेंट से आपने किस तरह से पता करना है कि पेशेंट की कौन सी आई में सप्रेशन है, उसके लिए यू हैव टू आस्क पेशेंट कि जो बुकलेट थी उसके नीचे आई हैव टोल्ड यू कि एल और आर लिखा होता है, ओवर हियर यू कैन सी ये एल और ये आर बुकलेट के नीचे, ठीक है? तो दिस इज़ हेल्पिंग अस फॉर रूलिंग आउट द सप्रेशन। आपको पता लग जाएगा कि किस आई में पेशेंट की सप्रेशन है। वो किस तरह से पता चलेगा? आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या उसको रैंडम डॉट पैटर्न, जो पैटर्न है उसके नीचे कोई ना कोई एल लेटर नज़र आ रहा है। पेशेंट जब आपको बताए कि हाँ मुझे कोई लेटर नज़र आ रहा है, यू हैव टू नोट दैट। अगर तो वो कहता है कि उसको एल लेटर नज़र आ रहा है, एल स्टैंड फॉर लेफ्ट आई, तो जो भी लेटर पेशेंट को विजिबल होगा इट मीन्स कि वो आई पेशेंट की नॉर्मल है, और जो लेटर उसको नज़र नहीं आ रहा इट मीन्स कि उस आई में सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको वो फ्लैट सर्फेस को टच कर रहा था, आपने नोट किया कि मे बी इसकी सब जो है ना आई में सप्रेशन है बिकॉज स्टीरियोप्सिस एब्सेंट है। आपने पेशेंट से पूछना है आपको कोई लेटर नीचे नज़र आ रहा है, अगर तो वो कहता है कि उसको एल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट आई है वो नॉर्मल है और जो राइट आई है वो हमारे पास सप्रेस्ड वन है। सो दिस इज़ हाउ आपने पेशेंट की सप्रेशन को इवेलुएट कर देना। ये ग्रॉस स्टीरियोप्सिस का प्रोसीजर था फॉर व्हाट, जब पेशेंट फ्लैट सर्फेस को मतलब जो बुकलेट है उसको पकड़ हाथ लगा रहा है बटरफ्लाई को होल्ड करते हुए। अगर तो पेशेंट बटरफ्लाई को कर लेता है होल्ड, फिर क्या होगा? अब अगर तो आपने पेशेंट से पूछना है कि वो किस चीज़ को पकड़ रहा है। सो नाउ अगर एक पेशेंट है जिसकी हमारे पास जो फ्लैट सर्फेस को हाथ नहीं लगा रहा बट वो इन द एयर ट्राई कर रहा है बटरफ्लाई को होल्ड करने की, तो आपने नोट करना है, आपने पेशेंट से पूछना है कि वो बटरफ्लाई का अपर विंग पकड़ा है, लोअर विंग पकड़ा है या फिर एब्डोमेन पकड़ा है, यानी ये बीच वाला हिस्सा है, ऊपर नीचे कौन सा हिस्सा है बटरफ्लाई का। हर पार्ट की अपनी अपनी एक स्टीरियोप्सिस की वैल्यू है, राइट? सो स्टीरियोप्सिस वैल्यूज हमारे पास क्या है? जो बटरफ्लाई के अपर विंग है क्योंकि वो बड़ा होता है तो उसकी जो स्टीरियोप्सिस की वैल्यू है यानी पेशेंट को वो डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी, उसकी वैल्यू होती है अप टू 2000 सेकंड्स ऑफ द आर्क। तो पेशेंट अगर बटरफ्लाई के अपर विंग को बस पकड़ा है और नीचे उसको विंग जो है उसकी डेफिनेट मार्जिन्स नहीं पता, यानी वो पकड़ नहीं पा रहा, उसको होल्ड नहीं कर पा रहा या उसको वो नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि पेशेंट की जो स्टीरियोप्सिस है वो अपर विंग की कितनी है 2000 सेकंड ऑफ आर्क, तो उस पेशेंट की स्टीरियोप्सिस कितनी है 2000 सेकंड्स ऑफ आर्क, ग्रॉस स्टीरियोप्सिस है ये। नेक्स्ट वी हैव कि अगर तो पेशेंट लोअर विंग को पकड़ता है या होल्ड करता है तो लोअर विंग की हमारे पास स्टीरियोप्सिस 1150 सेकंड्स ऑफ एन आर्क है बिकॉज वो अपर विंग से थोड़े से छोटे होते हैं, तो पेशेंट को इवेलुएट करने में थोड़ा सा होगा, वो फोकस करेगा, ठीक है? तो दैट इज़ वाई हमारे पास जो पेशेंट है दैट विल ट्राई टू ग्रैब, इफ ही इज ट्राइंग टू ग्रैब द लोअर विंग दैट विल हैव द ग्रॉस स्टीरियोप्सिस ऑफ अबाउट 1150 सेकंड्स ऑफ एन आर्क। अगर पेशेंट एब्डोमेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो इट विल, क्योंकि एब्डोमेन बहुत बारीक बहुत पतला एरिया होता है, तो उसकी स्टीरियोप्सिस बाकी दोनों से अच्छी होगी एंड इट इज़ अबाउट 700 सेकंड्स ऑफ आर्क, राइट? तो ये इस तरह से आप लोग ग्रॉस स्टीरियोप्सिस मुहैया कर सकते हैं पेशेंट की आई में पेशेंट का, राइट? अब डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से आप करेंगे? यू हैव टू टेल दैट इट्स ग्रॉस स्टीरियोप्सिस एब्डोमेन, पेशेंट ने अगर एब्डोमेन ग्रैब किया है तो एब्डोमेन इक्वल्स टू 700 सेकंड ऑफ एन आर्क, राइट? नाउ हमने कर ली है ग्रॉस स्टीरियोप्सिस मैयर, अब हमारे पास आ जाती है क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस। इफ़ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दैट क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस के लिए हमारे पास दिस पेज इज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो उसमें हमारे पास क्या है, 9 प्लेट्स हैं, हर प्लेट के अंदर 4 सर्कल्स हैं और 3 रोज हैं। अब इनका क्या यूज़ है, लेट्स सी। सो नाउ क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस में 9 प्लेट्स हैं, हर प्लेट के अंदर 4 सर्कल्स हैं, और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की आई में पेशेंट की कितनी आई में स्टीरियोप्सिस है, कितनी स्टीरियोप्सिस है, वो इस तरह से कि हर प्लेट के अंदर जो 4 सर्कल्स हैं उनमें से एक सर्कल जो है वो रेज होगा, उनका पैटर्न क्या होगा, रेज। आपने जब पेशेंट को ग्लासेस के साथ पोलराइज ग्लासेस के साथ पेशेंट से पूछना है कि इज़ ही एबल और कैन ही सी द रेज सर्कल, जो सर्कल वो उसको नज़र आ रहा है, आपने नेक्स्ट प्लेट की तरफ पूछना है और कहना है कि अब इस प्लेट में बताएं, नेक्स्ट प्लेट में बताएं, वो किस तरह से, लेट्स सी। सो हियर 9 प्लेट्स, हर प्लेट के अंदर 4 सर्कल, 4 सर्कल में से कोई ना कोई एक सर्कल जो है वो रेज होगा।
फर्स्ट प्लेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होगी, और वो पेशेंट जो है उसकी वो इसका मतलब है कि वो डेप्थ उसकी क्या है, कम है. सो डेप्थ परसेप्शन वो कोई भी पेशेंट आसानी से कर लेगा. एज आई हैव टोल्ड यू, अगर तो स्टीरियोप्सिस की वैल्यू कम है तो स्टीरियोप्सिस उस पेशेंट की उतनी ही अच्छी है. सो हेयर पेशेंट की स्टीरियोप्सिस पहली प्लेट में सबसे ज़्यादा कम है, वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, राइट. तो इसमें कोई इस प्लेट में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सर्कल जो है वो रेज होगा. आपने फिर नेक्स्ट प्लेट में पूछना है कौन सा सर्कल रेज है. इस तरह आपने तब तक पेशेंट से रेज सर्कल्स का पूछना है अनटिल और अनलेस वो कहे कि मुझे अब नज़र मतलब कोई भी रेज्ड सर्कल नज़र नहीं आ रहा इन 9 प्लेट्स में से, राइट. तो अब अगर वो पेशेंट को इन 9 प्लेट्स में से कोई भी आगे जो जिस भी प्लेट में आकर उसको सर्कल रेज नज़र नहीं आ रहा, उससे पीछे वाला जो प्लेट है उसकी वैल्यू उसकी पेशेंट की क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस होगी. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर. स्टीरियोप्सिस की वैल्यूज़ क्या हैं, जो सबसे पहली प्लेट थी ओवर हियर, ये सबसे पहली प्लेट, इसको हमने यहाँ पे 9 प्लेट्स को इस तरह से 3-3-3 करके डिस्प्ले कर दिया अलॉन्ग विद द वैल्यूज़. जो फर्स्ट प्लेट है उसकी वैल्यू स्टीरियोप्सिस की है 800 सेकेंड ऑफ एन आर्क. जो सेकेंड प्लेट है इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 400 सेकेंड ऑफ एन आर्क. अगर एक पेशेंट कहता है मुझे फर्स्ट प्लेट का सर्कल नज़र आ गया, आपने नेक्स्ट 400 का पूछना है पेशेंट से, अगर वो भी नज़र आ गया तो आगे नेक्स्ट प्लेट जो है उसकी वैल्यू है 200 सेकेंड ऑफ एन आर्क. फिर आपने नेक्स्ट आ जाना है 140 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क. अगर पेशेंट ने उसका भी रेज सर्कल बता दिया तो आपने नेक्स्ट सर्कल का पूछना है प्लेट का सॉरी पूछना है विच हैज़ अ वैल्यू ऑफ 100 सेकेंड ऑफ एन आर्क. नेक्स्ट प्लेट आपने फिर पूछनी है जिसकी वैल्यू होगी 80 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क. सपोज एक पेशेंट है उसको 80 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क वाली प्लेट में इस सिक्स्थ प्लेट में उसको सर्कल रेज नज़र नहीं आ रहा, तो आपने पीछे मूव कर जाना है और पीछे वाले की वैल्यू नोट कर लेनी है. एंड यू हैव टू से कि पेशेंट जो है उसकी इतनी स्टीरियोप्टिक वैल्यू है, क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस की इतनी वैल्यू है. वो किस तरह से कि अगर 80 की पेशेंट को प्लेट की कोई रेज सर्कल नज़र नहीं आ रहा तो उसकी स्टीरियोप्सिस क्या है 100 सेकेंड ऑफ एन आर्क. नेक्स्ट क्या है इसकी यहाँ स्टीरियोप्सिस की वैल्यू 40 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क तक जाती है. एज आई हैव टोल्ड यू 40 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क नॉर्मल स्टीरियोप्सिस है. सो 800, 400, 200, 140, 100, 80, 60, 50, 40 इस तरह से हम पेशेंट की स्टीरियोप्सिस क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस इन 9 प्लेट से पता करते हैं. सो अब इसमें हम डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे. जैसे आप टोल्ड यू अगर पेशेंट को 80 वाली प्लेट 80 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क वाली प्लेट या सिक्स प्लेट में सर्कल रेज नहीं नज़र आ रहा या उसे समझ नहीं आ रहा तो उससे पीछे वाली की आपने वैल्यू नोट करनी है. सो यू जस्ट हैव टू नोट लाइक दैट एस इक्वल्स टू 100/9. 100/9 मीन्स कि 100 सेकेंड ऑफ एन आर्क वाली प्लेट कितनी टोटल प्लेट्स में से 9 प्लेट्स में से. तो 100/9 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क इज द क्रिटिकल स्टीरियोप्सिस ऑफ द पेशेंट. अब हमारे पास आ जाता है रोज. वो जो 3 रोज हमारे पास थी ओवर हियर यू कैन सी दीज ए बी एंड सी. दीज रोज अब इनका क्या काम है. सो दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड और एंड दीज आर बेसिकली फॉर द यंगर चिल्ड्रन क्योंकि इसके ऊपर एनिमल्स बने होते हैं. सो यंगर चिल्ड्रन 9 to 10 ईयर्स ऑफ एज तक बच्चे जो होते हैं उन्हें समझ आ जाते हैं. हम उन्हें कहते हैं कि एक एनिमल है थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर लग रहा होगा, आपने वो बताना है हर रो में से. तो हर रो में 5 एनिमल्स होते हैं और उनमें से 5 एनिमल्स में से कोई ना कोई एक जो है वो एनिमल रेज्ड पैटर्न होगा किसी एक का. हमने पेशेंट से वो पता करना है. हर रो की एक अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है. दैट इज़ रो ए जो है रो एक में हमारे पास वैल्यू है अबाउट 400 सेकेंड ऑफ एन आर्क. अगर बच्चा बता देता है या पेशेंट बता देता है कि उसमें ये एनिमल रेज है तो हमने नेक्स्ट रो का पूछना है. रो बी में हमारे पास 200 सेकेंड ऑफ एन आर्क वैल्यू है स्टीरियोप्सिस की. अगर बच्चा वो भी बता देता है या पेशेंट बता देता है कि इसमें ये पैटर्न रेज है तो हमने थर्ड रो सी के बारे में पूछना है. दैट इज़ हैविंग द वैल्यू ऑफ 100 सेकेंड ऑफ एन आर्क. सो 400, 200 एंड 100 सेकेंड ऑफ एन आर्क तक हम पेशेंट की लास्ट 3 रो से स्टीरियोप्सिस मैयर कर सकते हैं. इसको हम डॉक्यूमेंट इस तरह से करेंगे दैट रो 1 इक्वल्स टू 400 सेकेंड ऑफ आर्क, या फिर हम बोलेंगे एनिमल रो 1 या एनिमल रो ए इक्वल्स टू 400 सेकेंड ऑफ एन आर्क. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोप्सिस. एंड इन केस ऑफ एनी क्यूरी कमेंट इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली शेयर इट विद योर फेलोज फॉर फर्दर एंड फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग एज वेल. Thank you so much.